बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। किचन 266 आज लाया आपके लिए बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त, और वो भी टर्किश स्टाइल में, बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान। चलें देखते हैं इसको बनाने में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मटन लिया है हमने 2.5 से 3 किलो, इसके बड़े पीसेस भी हैं और छोटे पीसेस भी हैं। ये देखें, मटन थोड़ा फैट्स वाला होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, बड़े पीसेस भी हैं इसमें। ऑयल है हमारे पास 3 से 4 टेबलस्पून, टमाटर हैं 3 से 4, 2 पीस लहसुन के लिए हमने 3 से 4 छोटे साइज़ के प्याज हैं, आलू हैं 4 से 5, हरी मिर्चें हैं और नमक है, मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा। चलें अब देखते हैं इसको बनाना किस तरीके से है। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन के जो ये वाले बड़े पीसेस हैं, इनमें कट्स लगा लें आप इस तरीके से, ऐसे जितने भी छोटे बड़े पीसेस हैं सब में आपने अच्छे से नमक लगाना है। इसका टेस्ट नमक से ही बनेगा, तो आपने नमक अच्छी तरीके से लगाना है। ये अच्छे से मिक्स करें इसको। अगर मटन पे फैट्स ज़्यादा हैं तो आपको ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऊपर, लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू और ये हमारी ग्रीन चिलीज़ भी हैं इसमें। ये ग्रीन चिलीज़, ये इसमें इसको सेट करके रख देंगे। और ये देखें जनाब, रेडी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसको हम ओवन में रखेंगे। ओवन को प्री हीट कर लिया है हमने। आपने मेक श्योर करना है कि इसको हीट इक्वल ही मिले। चलें जी, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ये देखें जी, ज़बरदस्त, ये 1 घंटा इसको हो गया है और ऊपर से देखें ये पक रहा है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, जो बड़े बड़े पीसेस हैं इस तरीके से। ये देखें, ऐसे रख दें इसको इस तरह साइड इनकी चेंज करके, तो हमने दोबारा से नमक लगाना है इनको, मटन को, और फिर हम इसको करीब 1.5 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे दोबारा। ये जी, हम दोबारा नमक लगा रहे हैं इसको, और ये जी अब तकरीबन 1.5 घंटे के लिए दोबारा ओवन में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिलते हैं 1.5 घंटे के बाद। ये लें जी, माशाल्लाह, ये अभी इसको 10 से 15 मिनट और लगेंगे। ओहो हो हो, वाह जी वाह, माशाल्लाह, ये आवाज़ सुने ज़रा इसकी, क्या कह रही है आपको। हाँ जनाब, ये आपका नमकीन गोश्त जो है टर्किश स्टाइल में रेडी है। इसको डिश आउट करेंगे हम। ये जी, वाओ, ज़बरदस्त, ये देखें जनाब, करंची, जूसी, ओहो हो, ये देखें ये कितनी गल गई हुई है ये। बोल, डिश आउट डन, और अब हम आपको खा के दिखाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। हमारी नमकीन गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल किचन 266 को सब्सक्राइब करें। ये लें जी मटन जॉइंट्स, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये दही के रायते के साथ, ये देखें जनाब, ज़बरदस्त। ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें देते रहिए। ये आपके लिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।